डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल 2016 के अंदर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लास्ट सेशंस के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर से बेसिक्स ऑप्शन सीख चुके हैं, जिसके अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। आज हमें एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है। बेसिक्स ऑप्शन और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब मान लीजिए कि हम आइकन सेट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्शनल फॉर्मेट्स के अंदर से फर्स्ट सेट पर क्लिक करते हैं तो जो तीन एरोज आपको दिखाई दे रही हैं, वही एरोज आपके फॉर्मेट के अंदर यूज होंगे, यानी कि टॉप वैल्यूज के लिए टॉप एरोज, डाउन वैल्यूज के लिए डाउन एरोज और मिडल वैल्यूज के लिए मिडल एरोज यूज होंगे। बट अगर आप चाहें तो अलग अलग सेट में से अलग अलग आइकन सेट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर से न्यू रूल यूज करना होगा, जिसे हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। आपको बेसिक ऑप्शंस और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और भी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम के अंदर बेसिक ऑप्शन से कोई भी डाटा बार, कलर स्केल या आइकन सेट फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें अपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी कि सेल 2012 एंड सेल 2013, दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं। तो हम सेल 2012 को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर से डाटा बार यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट डाटा बार यूज करेंगे, जो कि ब्लू डाटा बार कलर और फॉर्मेट के अंदर है। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उसी तरह से आपका कलर डाटा बार भी बढ़ रहा है। इसके बाद सेल 2013 के अंदर जो कि सेम वैल्यू है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद इस बार हम सेम डाटा बार यूज करेंगे, बट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि न्यू रूल के अंदर जाकर आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, जिसके अंदर आपको फॉर्मेट स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। डाटा बार आप यहां क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहां सिलेक्ट करना है मिनिमम वैल्यू, जो कि आप नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू के अंदर भी आपको नंबर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो नंबर्स है। मिनिमम वैल्यू आप यहां टाइप कर दीजिए कि आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 150 है और उसके बाद मैक्सिमम जो वैल्यू है 600, और जो कलर है वो सॉलिड कलर बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट है जो आपने सेल 2012 के अंदर अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद हमें केवल क्लिक करना है ओके पर। आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेट आपने अप्लाई तो किया है, बट मिनिमम वैल्यू के लिए कोई भी डाटा बार नहीं आया है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उसी तरह से आपका डाटा बार कलर भी बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर काफी डिफरेंस है, क्योंकि जब आप बेसिक ऑप्शन यूज करते हैं तो ये एवरेज के ऊपर वर्क करता है, बट न्यू रूल के अंदर आपने उसको एक स्पेसिफिक लिमिट दी है। मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी 150 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 600 है। तो इस तरह से आप बेसिक और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड कॉलम यानी कि सेल 2014 को सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर जाकर हम सेकेंड फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं टू कलर्स। हम यहाँ क्लिक करेंगे, टू कलर्स के अंदर आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू के अंदर नंबर सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर भी नंबर सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ मिनिमम वैल्यू अपनी टाइप करनी है। मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं 200 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके टाइप कर लेते हैं 700। आप यहां से कलर स्केल चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक्स जो ऑप्शंस हैं आप अपनी चॉइस का कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते। बट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि न्यू रूल्स के अंदर जाकर आप अपनी चॉइस का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं रेड कलर मिनिमम वैल्यू के लिए, और जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कलर लाइट हो जाएगा, जो कि हम यूज कर लेते हैं येलो। इसके बाद आपको ओके करना है। अब देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है 250, जो कि आपने लिमिट दी है, वहां डार्क कलर यानी कि रेड कलर है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है आपका जो कलर है वो लाइट यानी कि येलो कलर के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। इस तरह से आप न्यू रूल के अंदर से कलर स्केल यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो
नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और बेसिक ऑप्शंस के अंदर से भी आप कलर स्केल यूज कर सकते हैं। आप यहां से कोई भी कलर स्केल यूज कर लीजिए, बट यहां से आप जो कलर स्केल यूज करते हैं वो रेडीमेड जो फॉर्मेट है वही अप्लाई होगा, बट आप अपनी चॉइस का कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी चॉइस की कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू रोल के अंदर जाना होगा। इसके बाद न्यू रोल के अंदर हम चलते हैं। न्यू रोल के अंदर आपको 3 कलर्स भी मिल जाते हैं, डाटा बार हम यूज करके देख चुके हैं, आइकन सेट्स भी आपको मिल जाता है। तो आइकन सेट्स के लिए हम इसे कैंसिल करके इस कॉलम के अंदर से फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देते हैं, जिसके लिए आपको कंसोल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर क्लियर रूल एंड क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ताकि बाकी कॉलम्स के अंदर जो कंडीशन लगाई गई है वो रिमूव ना हो। तो इस कॉलम के अंदर हम यूज करते हैं आइकन सेट्स के अंदर से बेसिक फॉर्मेट, जो कि आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर लीजिए। हम डायरेक्शनल फॉर्मेट यूज कर लेते हैं फर्स्ट, ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर हमने इसे नहीं कहा कि मिनिमम वैल्यू के लिए आप ये आइकन सेट्स दो, आप चाहें तो मिनिमम वैल्यू के लिए टॉप एरो भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उसी तरह से आपकी एरो डाउन एरो के अंदर चेंज होती जाएगी, बट ये आप बेसिक ऑप्शंस के अंदर से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको न्यू रूल यूज करना होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएं, न्यू रूल पर क्लिक करें और फर्स्ट फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना है आपको, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है आइकन सेट। आइकन सेट्स के अंदर आप आइकन स्टाइल चूज कीजिए, जो भी आपको आइकन स्टाइल चाहिए। तो इसके अंदर आपको काफी सारे आइकन स्टाइल मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर से हमने सिलेक्ट करना है जो कि हमने सिलेक्ट किया है ऑलरेडी। इसके बाद यहां से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एरो टॉप वैल्यू के लिए और कोई भी एरो मिनिमम वैल्यू के लिए यानी कि डाउन वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो रेड डाउन एरो आपको यूज करनी है, वह वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 650 एंड उसके बाद व्हेन योर वैल्यू लेस देन 650 एंड ग्रेटर देन 500 एंड उसके बाद जब आपकी वैल्यू लेस देन 500 एंड ग्रेटर देन और इक्वल 350, तो इस तरह से आपको अपनी वैल्यूज टाइप करनी है और उसके बाद आपको लास्ट के लिए एरो चेंज कर देनी है और ओके प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी लिमिट चेंज कर सकते हैं और आइकन सेट्स चेंज कर सकते हैं। लास्ट कॉलम के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू के लिए रेड डाउन एरो दिखाई दे रही है, बट उसी वैल्यू के लिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने टॉप ग्रीन एरो यूज कर ली है। तो इस तरह से एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अंदर आप अपने डाटा बार, अपनी फॉर्मेटिंग, लिमिट और आइकन सेट्स को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप सो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर आपको फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू यानी कि फर्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।